क्रिकेट के सुपर फास्ट लाइव स्कोर के साथ पहली बार हिंदी में क्रिकेट की तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए डाउनलोड करें क्रिकेट हंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से और एंजॉय कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के तेरहवें सीजन यानी कि आईपीएल 2020 के लिए फाइनली अब आईपीएल के सभी 8 टीमों ने, सभी फ्रेंचाइजियों ने अपने रिलीज प्लेयर लिस्ट जारी कर दी है, जहां पर सभी टीमों ने अपनी टीम से कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है आईपीएल 2020 के ऑक्शन से पहले। और ये सारे के सारे खिलाड़ी जाएंगे आईपीएल की नीलामी में। इन सभी खिलाड़ियों पर दोबारा बोली लगने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईपीएल 2020 के सभी 8 टीमों को उनके कन्फर्म रिलीज प्लेयर लिस्ट के बारे में कि किस किस टीम ने किन किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है, वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वहीं आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर आईपीएल 2020 का ऑक्शन जो कि 9 दिसंबर को होगा कोलकाता में, और इस नीलामी से पहले आईपीएल के सभी 8 टीमों को, सभी फ्रेंचाइजियों को और सभी टीमों ने अपने कंफर्म रिलीज प्लेयर लिस्ट जारी कर दी है। तो गाइस, बिना देरी के चलिए बात करते हैं सभी 8 टीमों को उनके कंफर्म रिलीज प्लेयर लिस्ट के बारे में। अगर हम बात करें यहां पर राजस्थान रॉयल्स के रिलीज प्लेयर लिस्ट के बारे में, तो यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपनी टीम से कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। तो कुछ इस तरह से है रिलीज प्लेयर लिस्ट जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने स्टोन टर्नर, ओसान थॉमस, शुभमान रांजने, प्रशांत चोपड़ा, इस सोधी, आर्यमान बिरला, जयदेव नाडकट, राहुल त्रिपाठी, स्टुअर्ट बिन्नी, लियाम विक्स्टोन, सुदेश मिथुन, जो कि इन सभी खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है अपनी टीम से। ये सारे खिलाड़ी जाएंगे आईपीएल की नीलामी में, इन पर दोबारा बोली लगेंगी, दोबारा सभी टीम बोली लगाएंगी इन सभी खिलाड़ियों पर। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इसके बाद किंग्स इलेवन पंजाब के रिलीज प्लेयर लिस्ट के बारे में, तो पंजाब की टीम ने भी अपनी टीम से कई बड़े खिलाड़ियों को बाहर किया है, जो कि पंजाब का कुछ इस तरह से रिलीज प्लेयर लिस्ट जो कि किंग्स इलेवन पंजाब की रिलीज प्लेयर लिस्ट कुछ इस तरह से है। नंबर एक पर वरुण चक्रवर्ती, एंड्रू उताय, सैम करन, सिमरन सिंह, डेविड मिलर, मॉइसेस हेनरिक्स और अग्निवेश आयची, जो कि इन सभी खिलाड़ियों को पंजाब की टीम ने भी अपनी टीम से बाहर कर दिया है, रिलीज कर दिया है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के रिलीज प्लेयर लिस्ट के बारे में, तो कुछ इस तरह से है दिल्ली कैपिटल्स का रिलीज प्लेयर लिस्ट जो कि क्रिस मॉरिस, कोलिन ग्राम, हनुमा विहारी, अंकुश बैंस और कोलिन मुंद्रो, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी अपनी टीम से इन बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। ये सारे खिलाड़ी जाएंगे आईपीएल के नीलामी में। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के उन सभी रिलीज प्लेयर लिस्ट के बारे में, तो यहाँ पर केकेआर की टीम ने टोटल 10 प्लेयर को रिलीज कर दिया है, बाहर कर दिया है। तो कुछ इस तरह से है लिस्ट जो कि नंबर एक पर रोबिन उत्तपा, जो कि काफी समय से यह क्यास लगाया जा रहा था कि रोबिन उत्तपा को केकेआर की टीम बाहर कर देगी, रिलीज कर देगी, और फाइनली रोबिन उत्तपा का नाम आ गया है रिलीज प्लेयर लिस्ट में। दूसरे खिलाड़ी हैं क्रिस लिन, तीसरे खिलाड़ी हैं पीयूष चावला, चौथे खिलाड़ी हैं जोए डेनली, पांचवें खिलाड़ी हैं यारा पृथ्वीराज, छठे खिलाड़ी हैं निखिल नायक, सातवें खिलाड़ी हैं केसी करिप्पा, आठवें खिलाड़ी हैं मैथ्यू केली, नौवें खिलाड़ी हैं श्रीकांत मुंडे, दसवें खिलाड़ी हैं कार्लोस ब्रेथवेट। तो गाइस, ये 10 बड़े खिलाड़ी जिन्हें केकेआर की टीम ने बाहर कर दिया, रिलीज कर दिया आईपीएल 2020 के नीलामी से पहले। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग के तेरहवें सीजन यानी कि आईपीएल 2020 का ऑक्शन 9 दिसंबर को होने वाला है कोलकाता में, और इस नीलामी से पहले सभी टीमों को ट्रेड और रिलीज और रिटर्न करने की प्रक्रिया खत्म करनी थी, जो कि 14 नवंबर लास्ट डेट था ट्रेड करने की। और अब यहां पर सभी टीमों को अपने रिलीज और रिटर्न प्लेयर लिस्ट जारी करने की आखिरी डेट जो कि आज था, और आखिरकार आरसीबी की टीम ने अपने रिलीज प्लेयर लिस्ट जारी कर दी है, जो कि टोटल 12 खिलाड़ी बाहर किए हैं, रिलीज कर दिए हैं। तो कुछ इस तरह से उन खिलाड़ियों की लिस्ट जिन्हें आरसीबी की टीम ने अपनी टीम से बाहर कर दिया आईपीएल 2020 के ऑक्शन से पहले, जो कि ये सारे के सारे खिलाड़ी जाएंगे आईपीएल के नीलामी में, इन पर दोबारा बोली लगाएंगी सारी टीमें, दूसरी टीम में जाएंगे। तो कुछ इस तरह से रिलीज प्लेयर लिस्ट, नंबर एक पर मार्कस स्टोइनिस, नंबर दो पर सेमरन हिटमायर, नंबर तीन पर अक्षदीप नाथ, नंबर चार पर नथन कोल्टर नायल, नंबर पांच पर कॉलिन डी ग्रेडहोम, नंबर छह पर परियास बर्मन, नंबर सात पर टीम साउथी, नंबर आठ पर कुलवंत खेजरोलिया, नंबर नौ पर हिम्मत सिंह, नंबर दस पर हेनरी क्लासन, नंबर ग्यारह पर मिलिंद कुमार, नंबर बारह पर डेली स्टेन। तो गाइस, ये आरसीबी के टोटल रिलीज प्लेयर लिस्ट जो कि इन 12 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया, ये सारे खिलाड़ी जाएंगे आईपीएल के नीलामी में, इन पर दोबारा बोली लगाएंगी सारी टीमें, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने अपनी टीम से 7 बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया, रिलीज कर दिया है।
तो कुछ इस तरह से मुंबई इंडियंस की रिलीज प्लेयर लिस्ट है जो कि 100% कंफर्म और फाइनल रिलीज प्लेयर लिस्ट है। तो पहले खिलाड़ी हैं युवराज सिंह, दूसरे खिलाड़ी हैं एविल लेविस, तीसरे खिलाड़ी हैं आदम मिलने, चौथे खिलाड़ी हैं जेसन बैरनड्रॉफ, पांचवे खिलाड़ी हैं बरिंदर सरन, छठे खिलाड़ी हैं बेन कटिंग, सातवे खिलाड़ी हैं पंकज जायसवाल। तो गाइस ये मुंबई इंडियंस के सात खिलाड़ी जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल 2020 से पहले अपनी टीम से बाहर कर दिया, रिलीज कर दिया है। और अब यहां पर फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपने रिलीज प्लेयर लिस्ट जारी कर दी है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके ने अपने पांच खिलाड़ियों को बाहर कर दिया आईपीएल 2020 के ऑक्शन से पहले। ये पांच के पांच खिलाड़ी जाएंगे आईपीएल के नीलामी में। तो बिना देरी के चलिए बात करते हैं उन पांच खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें सीएसके की टीम ने रिलीज कर दिया है, अपनी टीम से बाहर कर दिया है और ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है। तो सीएसके की रिलीज प्लेयर लिस्ट कुछ इस तरह से है, जो कि नंबर एक पर है मोहित शर्मा, बेहतरीन तेज गेंदबाज, जो कि इन्हें रिलीज कर दिया आईपीएल 2020 से पहले। दूसरे खिलाड़ी हैं सैम ब्लिंक्स, विकेट कीपर बैट्समैन, जो कि इन्हें भी रिलीज कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने। तीसरे खिलाड़ी हैं डेविड विली, इंग्लैंड के बेहतरीन तेज गेंदबाज, इन्हें भी बाहर कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने। जबकि चौथे खिलाड़ी हैं ध्रुव शौरी, इन्हें भी बाहर कर दिया है। पांचवे खिलाड़ी हैं चैतन्या बिश्नोई, जो कि इन पांच खिलाड़ी को रिलीज कर दिया है सीएसके की टीम ने, जो कि सीएसके का फाइनल रिलीज प्लेयर लिस्ट है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना राय अपने विचार जरूर दें। आपके हिसाब से और किस किस खिलाड़ी को रिलीज करना चाहिए था, कमेंट करके अपना राय अपने विचार जरूर दें।